कल मतदान हो चुका है, चुनावी शोर अब थम चुका है, सभी नेता अपने अपने घर लौट चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे उठे और वोटिंग के बाद अब क्या हाल है। मोहन यादव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर दूसरे नंबर पर रहा सबसे ज़्यादा वोटिंग में, सबसे नंबर सर सबसे नंबर वन रहा बदनावर, और बदनावर के बाद सबसे ज़्यादा आगर में वोटिंग हुई है, तो क्या लगता है कि किस तरफ है पहलू? देखिए, ये मालवा का ट्रेंड तो एक साथ हमको दिखाई दे रहा है कि चाहे बदनावर हो, हाट पिपलिया हो, आगर हो, मानधाता हो, यहाँ एकदम बढ़ चढ़ कर के वोटिंग हुआ। और वोटिंग होने के साथ हमने देखा कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का रोड शो हो, उनकी पब्लिक मीटिंग हो, जिस प्रकार से रिस्पांस था, वो रिस्पांस ने अपने आप में सारी कहानी बोल दी। जितनी अच्छी तरीके से जनता ने उनको रिस्पांस किया था, हम उसी समय कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमारे लिए अब कोई तकलीफ नहीं है। सर, क्या लगता है कि कल जो वोटिंग हुई है वो किस मुद्दों पे हुई है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने हताशा निराशा के दौर के बाद जब चुनाव में गए, तो पहले तो उनको जिस ढंग से चुनाव की तैयारी के लिए जो चाहिए था, उनका होमवर्क नहीं हुआ था, जो हम समझ पाए ना, उनका टीम वर्क दिखाई दिया। कमलनाथ जी से शुरू हो गए, कमलनाथ जी पर कहानी ख़त्म हो रही, जनता इस चीज़ को जान चुकी थी। जब इसके उलट भाजपा की तरफ से सारे स्टार प्रचारक, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे कैलाश जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री, तो यशस्वी घूम ही रहे थे, नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, वी डी शर्मा जी हो, हमारे वरिष्ठ और जूनियर सभी लोगों ने बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा, और जिस ढंग से चुनाव में गए हैं वो अपने आप में रिजल्ट बता रहा है कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि अब यद्यपि पेटी में सारा वोटिंग का रिकॉर्ड है, लेकिन रिस्पॉन्स जिस ढंग से, उस ढंग से पूरा हमको होप है कि वो बहुत अच्छे से निकलेंगे। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनके बारे में ज़्यादा बोला जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनती नज़र आ रही है, वोट उनके पक्ष में डाले हैं, और कांग्रेस खुद कह रही है कि मतदाता ने हमारे लिए वोट डाले। देखो, कांग्रेस के पास सिवाय कुछ दिन और खुश रहने के कुछ बचानी है, चार दिन की और बात है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। कांग्रेस वही स्थान पर खड़ी है जहाँ से जनवरी फरवरी में लग रहा था कि सरकार जा रही है, तब वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद लगा कि बहुमत का मामला है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। जहाँ तक कि दो चार लोगों को दिल्ली से ले आए, बड़े दावे किए गए पहले दिन तो, कि हम पकड़ लाए हैं और हमारे कुछ गड़बड़ नहीं है। मालूम पड़ा जो आए, उन्होंने कहा हमको किसी को पकड़ के नहीं लाए, विसावलॉजी से लेकर सब लोगों ने उसी समय खंडन कर दिया था। उसके बाद जब बेंगलोर की बात आई, तो उन्होंने कहा बेंगलोर से हमारे लोग आ जाएंगे और कोई कांग्रेस में फूट नहीं है, दरार नहीं है। हमने सब ने देखा कि जब बहुमत का मौका आया तो आखिरी दिन कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। फिर कांग्रेस ने जब सरकार चली गई, तो 15 अगस्त में हम झंडा फहराएंगे, 15 अगस्त भी निकल गया। अब कांग्रेस हमेशा उम्मीद पाल कर रखती, तो पाले। आज भी आप बताइए, 87 का जो आंकड़ा है, 114 के आंकड़े से कितनी दूर है, कैसे संभव हो सकता है? उसके उलट भाजपा के 107 अपने MLA काम कर रहे हैं, और उनकी तुलना में भाजपा के पास कितने चांस है, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। सर, ग्वालियर चंबल में और ग्वालियर पूर्व में जो फिलहाल कल वोटिंग हुई है, क्या लगता है किन मुद्दों पे होगी कल के, क्योंकि वहाँ पे बहुत कल हंगामे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये बात सही है कि चंबल बेल्ट में वोटिंग परसेंटेज डाउन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को खुश होने का मौका मिल जाएगा। ये बात भी सही है कि चूंकि जो प्रत्याशी हमारे बनाए गए हैं वो कुछ दिन पहले ही आए थे, लेकिन हमने अपने लिए जो होमवर्क किया था, काफ़ी हद तक नीचे का तालमेल भी बनाने का प्रयास किया है, और तालमेल जितना बना उस ढंग से रिजल्ट हमको लग रहा है कि अनुकूल रहेंगे। सर, सुमावली में कल बहुत हंगामे हुए, सुबह से गोलियां चलती रहीं, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सुमावली में रीपोलिंग होनी चाहिए, वहीं कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जिन जिन जगहों पर गोली चली है वहाँ पर रीपोलिंग होनी चाहिए। देखिए, जहाँ रीपोलिंग की बात आएगी, वोटिंग मशीन हैक करने की बात आएगी, ये सारे संकेत दिखाई देते हैं कि जो कांग्रेस मैदान छोड़ रही है वो हारने का ठीकरा भाजपा पे फोड़ती जा रही है, कभी चुनाव आयोग पे फोड़ती है, इससे बात बनेगी नहीं। बेहतर ये होगा कि वो समग्र रूप से पहले चुनाव का अपना आकलन कर ले, चुनाव के रिजल्ट देख ले, अपने चुनाव के अंदर हुई कांग्रेस की गलतियों को आकलन कर ले, और जनता के बीच अब लोकतंत्र में इससे बढ़कर कोई मैदान नहीं होता है। जब आपने अपनी बात सारी कर दी बीजेपी ने, कांग्रेस ने, अब जो जनता रिजल्ट है उसको मानो, उससे बढ़ के क्यों भाग रहे हो, उससे क्यों और आप गली मोहल्ले ढूंढ रहे हो। दिग्विजय सिंह जी बेहतर होता कि वो मैदान संभालते, पहले तो कमलनाथ जी पे अकेला पूरा चुनाव डाल दिया, और अब बीच में से कुछ भी बात कह रहे तो बात जचती नहीं है। अभी आधी बात तो जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि यह AVM खराब है, इसका मतलब वो पहले डिसाइड कर ले करना क्या है, किस दिशा में जाना चाहते हैं।
हर बार जो है कांग्रेस तरफ से ईवीएम की जरूर बात उठती है कि ईवीएम खराब है। कल उन्होंने ये भी बोला कि जो प्रशासन है कहीं इतनी जगह पैसे बांटे गए जो प्रशासन से मिलके भी बांटे गए, ये कमलनाथ जी ने कल कहा है अपने बयान में। ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चुनाव के पहले सरकारों का जिस ढंग से उपयोग पुराने इनके समय करते आए वो अपने सारे हथकंडे बीजेपी में थोपना चाहते हैं। बीजेपी ने 2018 में भी चुनाव लड़ा था तब भी यही कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे कि चुनाव आयोग बिक गया, सरकार से सारे मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने प्रकार के आरोप लगाए थे। और अंततः रिजल्ट देखा तो हमसे ज़्यादा कांग्रेस की सीट लाए। इसके बाद बार बार ये कि यही लाइन दोहराना ये अपने आप में कोई जस्ती नहीं है। सर इस बार चुनाव में कई सारी चीज़ें उठी हैं, बयानों के दौर में सिमट कर रह गया चुनाव, एक दिन के लिए आपको भी बैन कर दिया गया प्रचार से, क्या कुछ कहना है? देखिए ये कांग्रेस की एक 10 साल की पॉलिटिक्स में आपने गौर करिएगा, 10-15 साल में कांग्रेस खाली वकीलों का एक जमावड़ा टाइप बन गया है, शिकायत शिकवे करना, मैदान में काम नहीं करना, और उसी के आधार पर उन्होंने अभी भी शिकायतों को नए नए रिकॉर्ड बना दिए। तो कई बार जब ज़्यादा शिकायत करते तो चुनाव आयोग भी दबाव में आ जाता है। जैसे आपने कहा मेरे लिए संदर्भ में कि मेरे लिए एक दिन का बैन किया गया, हमने तो कहीं अपील नहीं की उसकी, हमने कहा ठीक है चुनाव आयोग को जो करना करे, हमने तो एक दिन साइलेंट भी हो गए। लेकिन चुनाव में अगर हमने कहा है कि ये जो मुहावरे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, पार्टी कार्यालय के अंदर मैंने बात कही थी, हमारे जब 55 से ज़्यादा सरपंचों को हटाने का नोटिस कांग्रेस सरकार में दे दिया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे, उनके साथ मारपीट हो रही, उनके साथ बदतमीजी हो रही, तो हम इसका बदला लेने की अपने चुनाव में जब जाएंगे तो बात नहीं करेंगे। एक मुहावरा है कि ज़मीन में गाड़ देंगे कोई हाथ लगा के देखेगा, तो इसका मतलब ज़मीन में गाड़ देना ये अपने भाषण में लोगों को बूस्टअप करने की बात है। पर्टिकुलर कोई नाम के साथ किसी को मैंने नीचा दिखाने की बात नहीं की थी, और यही मैंने अपने स्पष्टीकरण में भी दी थी, जिस बात को चुनाव आयोग ने भी माना। और मैं उल्ट देखता हूँ कि जब कमलनाथ जी ने बात कही किसी महिला के संबंध में तो क्या बात बोली, उनके खुद के नेता ने खंडन किया, उसके नेता ने माफ़ी मांगी, लेकिन कमलनाथ जी उससे टस से मस होने को तैयार नहीं थे। अल्टीमेटली ऐसे जो बातें थी, जैसे उदाहरण के लिए कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी ने खड़े होकर के आगर के आम सभा में जहां उनके कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे कहा कि इनको तुम दूल्हा बनाओ मैं तुमको दामाद दे दूंगा। अभी भाषा ये हमारे मालवा की भाषा नहीं है ना मध्य प्रदेश की भाषा है, हम सेवक दे देंगे, विनम्र कार्यकर्ता दे देंगे, पार्टी का निष्ठावान सिपाही दे देंगे, ये भाषा तो चल सकती है, लेकिन दूल्हा बनाओ दामाद बनाओ ये बेटियों का अपमान है, ये हमारी माताओं का अपमान है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। सर मालवा निवाड़ में भी बहुत कल हंगामे हुए, तो क्या कारण रहती गोलियां चलने के, प्रशासन जो था वो मुस्तैद था उसके बावजूद इतना कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए मैंने कहा कि आरोप तो बीजेपी भी लगे हैं ना, कि आरोप बीजेपी भी कल बहुत लगे हैं। मेरा ऐसा कहना है एक भी जगह आप बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता ने गोली चलाई हो, जो गोली चलाने वाले हैं गुंडागर्दी करने वाले वो सब लिस्टेड लोग किसकी तरफ के आप देख लीजिएगा, तो भाजपा को क्या बोलना है इसमें? प्रशासन खुद इसके बारे में तस्दीक करता है, कार्रवाई करते थे कि कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं, झगड़ा आप करो, गोली आप चलाओ, मारपीट आप करो, गलत आप बोलो, अपमान आप करो, और आप पे कुछ बात करे तो ये गलत बात कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? अगर सर बात की जाए कल की इतने घटनाओं की, तो कल ईवीएम खराब हो गई कई जगह चुनाव का बहिष्कार, और सांची की बात की जाए सर तो सांची में कल बहिष्कार कर दिया गया, कहते हैं जब लाइट नहीं तो वोट नहीं, तो इस तरह की कल बहुत सारी जगह में देखने को मिला। देखिए ये बात सही होती है कि जब चुनाव आता है तो कई जगह कई सारे विषय को जनता के बीच में लाया भी जाता है, और मैं मान के चलता हूँ लोकतंत्र के नाते से हर एक लोगों को वोट तो जरूर डालना चाहिए, उसमें कोई मैं इस बात से गुरेज नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार पराकाष्ठा हो जाती है कोई असुविधा की कोई परेशानी की, तो जनता वो एक रास्ता निकालती है और वो इस ढंग से अपनी बात को ले जाते हैं कि हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, आप हमारा लाइट का काम है, सड़क का काम है, कई ब्रिज का काम है, नदी पर घाट बनाने का, ऐसे कई मुद्दे आते हैं, तो हो सकता है कोई काम छूट गया हो, तो मैं आप चुनाव हो चुका है इसलिए अब उस पर नए सिरे से देख करके सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर अगर बात की जाए फिलहाल की स्थिति की, तो अब चुनाव थम गया है, सब अपने अपने घर लौट चुके हैं, सब अपने परिवार के साथ हैं, आप भी अपने परिवार के साथ हैं, अब इतना लंबा 32 दिन का लगातार चुनाव प्रचार चला, ताबड़तोड़ सभाएं चली, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं कि अब जो आराम आपको फिलहाल में मिला है, आपको बहुत दिनों बाद राहत की सांस आपने ली है? देखिए हमने तो राहत की सांस तो भाजपा के सिपाही होने के नाते कभी लेते भी नहीं है, ना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लेते ना हम लोग लेते हैं। मैं परसों जब 2 तारीख को उज्जैन आया तो उसी दिन हमने अपने यहाँ उज्जैन के स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा बैठक ले ली, निर्माण कार्य जो पेंडिंग थे उनको देख लिया, कुछ आगामी सीमा की दृष्टि से जो नए निर्माण कार्य करना था उसको देख लिया। कल भी हमने इसी प्रकार से अपना दिन भर 3 तारीख का जबकि वोटिंग का दिन था
हमारे कार्यकर्ताओं से साथ संपर्क में लेकर उस पर भी हम, चूँकि मर्यादा के आधार पर हमने अपना चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करते हुए उस सीमाओं से बाहर आ करके चुनाव की मॉनिटरिंग की, लेकिन प्रयास ही करते हैं कि जब भी मिले 24 घंटे एक ही काम है, जब तक जवाबदारी है सेवा की, और हमने खुद ने ये चुना है, कोई किसी ने हमको ज़बरदस्ती नहीं डाला है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन बनता तो हम पार्टी का काम करते, और पार्टी का काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें कोई थकान या हमको परेशानी महसूस नहीं करते। सर, अब जब इतना कुछ हो चुका है चुनाव में, इतनी बयानबाजी हो चुकी है, कल वोट डल चुके हैं, तो इस वक्त की स्थिति ये है कि अब कांग्रेस बोल रही है कि हमारे प्रत्याशी ज़्यादा हैं, हमारे वोट ज़्यादा हैं, मतदाताओं ने हमारे हिस्से में वोट डाले हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ऐसा कुछ अभी फिलहाल में नहीं बोल रही, उनका यही है कि 28 की 28 सीटें। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, कांग्रेस ने जितने दिन तक 8 महीने 10 महीने का समय निकाल दिया वो गलतफहमी पाल के चलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि वो गलतफहमी पाले तो पाले, जनता तो भाजपा के साथ है, और रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपके क्षेत्र के अलग अलग लाइव में, वहाँ के पत्रकारों ने, निष्पक्ष लोगों ने, सबने इस बात की पुष्टि की है कि जो माहौल था वो कांग्रेस के खिलाफ था। सर, 28 सीटें हैं, आप ये मत बोलिएगा कितनी सीटें मैं पूछने जाऊँगी तो आप बोलेंगे 28 100% कहीं का भी नहीं आता है, तो ईमानदारी से बताइए कितनी। मैं आपसे सहमत हूँ, न तो कांग्रेस 28 जीतने की है, न भाजपा 28 जीतने की, ये बात सही है। हमारी अपनी जो ताकत है उसके बलबूते पर हम 22-24 से आगे जाने वाले हैं, और बची हुई 2-4 सीटें तो हो सकता है कांग्रेस ले, BSP ले, उसमें हमको कोई मना नहीं है। ये मेरा आकलन हो सकता, पार्टी का आकलन नहीं, मेरे व्यक्तिगत रूप से अगर उसको ईमानदारी से देखा जाए तो चुनाव को चुनाव के जैसे लेना चाहिए, और 100 में से 100 तो परीक्षा में बैठते तब भी नंबर नहीं मिलते। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मोहन यादव जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव में कई सारे मुद्दे उठे, कई जगह गोलीबारी भी हुई, कई सारे हंगामे हुए दिन भर, लेकिन अब इस हंगामे के बाद इंतज़ार सबको रिजल्ट्स का है। रिजल्ट्स मतलब अब 10 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी कि इतने ऐतिहासिक चुनाव के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद अब इसका निचोड़ क्या निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, TNN News भोपाल।